तो ये है सिकंदर लोदी द्वारा बनाया गया एक मोर दाल वाली मस्जिद, जो कि दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में है। दोस्तों, इस मस्जिद की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि सुल्तान सिकंदर लोदी ने इसे सन 1505 में बनाया था, जब वो यहाँ पे अपने वजीर के साथ टहलने आए थे। इस बाग में उन्होंने क्या देखा कि एक चिड़िया जो है अपने मुंह से बार बार दाना उठाती है और दाना गिर जाता है। उस दाने को सिकंदर लोदी ने अपने हाथ में लिया और अपने वजीर आज़म को दे दिया। उनके वजीर ने दोस्तों उस दाने को लेकर और एक मिट्टी में दबा दिया। दबाने के बाद वो जो दाना है उसमें से फसलें निकलने लगी। फसलें निकलने के बाद उसकी जो रेवेन्यू है काफ़ी ज़्यादा जनरेट होने लगा और उस पैसे से इस मस्जिद को बनाया गया। तो देख सकते हैं काफ़ी सुंदर, काफ़ी खूबसूरत ये मस्जिद है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कब्रें दिखाई देंगी और यहाँ पे एक वजू खाना दिखाई देगा। दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।